वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और एक अलग ही यूनिक आवाज़ के गायक कैलाश खेर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं और कितनी भी दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई दे लोग एक पल ठहर के सुनते हैं। तो आइए उनकी जो जीवन परिचय है, व्यक्तिगत लाइफ और फिल्मी करियर ग्राफ सिंगिंग का, उन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इनका जो पेशा है वो गायक हैं ये, और ये इनकी जो जन्म की तिथि है वो 7 जुलाई 1973, और जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत। और ये इंडियन हैं और इनका गृहनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश हुआ, और दिल्ली विश्वविद्यालय से ये स्नातक की पढ़ाई किए हैं। दोस्तों, इनका प्रथम डेब्यू, प्रथम गाना आया था रब्बा इश्क ना होवे अंदाज 2003 में। और इनके पिताजी का नाम मेहर सिंह, माता का नाम चंद्रकांता, और ये सिंगल हैं, भाई हैं। दोस्तों, इनके विवाद की कुछ बात की जाए तो सितंबर 2014 में भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैलाश खेर के आगामी कार्यक्रमों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। हालांकि अखबार के शीर्षक और पूरे लेख में गायक के नाम की गलत वर्तनी करके एक गलती की, पर इनसे क्रोधित कैलाश खेर ने इसे जो ट्वीट किया और उसके बाद ये गुस्से में हो गए। दोस्तों, फिर भी वो इन बात विवाद से बाहर आ गए। दोस्तों, इनके जो पसंदीदा संगीतकार हैं विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय, और पसंदीदा गायक है AR रहमान, नुसरत फ़तेह अली खान। दोस्तों, ये विवाहित हैं, इनकी पत्नी का नाम शीतल खेर, और विवाह की तिथि 2009 में इन्होंने फरवरी में शादी की थी। दोस्तों, इनकी बेटी का नाम है NA और दो बेटा का नाम है कबीर खेर, और इनकी जो जन्म की तारीख है बेटा का वो 2010 में हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से कैलाश खेर जो है सो अपनी व्यक्तिगत जीवन स्टार्ट किए। कैलाश खेर का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। इनके पिता एक शौकिया संगीतकार थे। इनके पिताजी लोक गीतों का प्रदर्शन किया करते थे और नियमित घरेलू कार्यक्रम में वो शामिल था। दोस्तों, तो 14 साल की उम्र में कैलाश खेर ने शास्त्रीय और लोक संगीत में पेशेवर प्रशिक्षण हासिल करने के लिए गुरु या संस्था की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। इसके साथ ही उन्होंने खुद छोटे बच्चों को 150 रुपये प्रति सत्र की फीस पर संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इस पैसे का उपयोग भोजन आदि, कपड़े आदि, अपने दैनिक खर्च को चलाने में किए। कई महीनों की तलाश के बाद भी जब कैलाश खेर को कोई सही गुरु या स्कूल नहीं मिला तो उन्होंने संगीत सुनकर सीखना शुरू कर दिया। उनके अनुसार पंडित कुमार गंधर्व पंडित, भीमसेन जोशी पंडित, गोकुलोत्सव महाराज और नुसरत फतेह अली खान जैसे शास्त्रीय गायक उनके असली शिक्षक रहे हैं। संगीत उद्योग में कोई सफलता नहीं मिलने पर पराजित कैलाश खेर ने वर्ष 1998 में हस्तशिल्प निर्यात व्यवसाय में अपना हाथ आजमाया। दुर्भाग्य से अगले वर्ष उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिससे उन्हें कई महीनों तक अवसाद में रहना पड़ा। इस हद तक कि उन्हें एक बार अपनी सुसाइड करने की भी कोशिश की। दोस्तों, 2001 में उनके लिए सितारे फिर से बदल गए जब संगीत उद्योग ने उन्हें कुछ दोस्तों ने संगीतकार राम संपत से उनकी सिफारिश की, और जो नक्षत्र डायमंड के विज्ञापन में जिंगल के लिए एक नई आवाज़ की तलाश कर रहे थे। हालांकि जिंगल ने उन्हें तुरंत पहचान नहीं मिली, लेकिन उनसे उन्हें 5,000 रुपये प्रति राशि मिली। इसके बाद कैलाश खेर ने कोका कोला, पेप्सी, सिटी बैंक, हीरो होंडा आदि जैसे कई लोकप्रिय ब्रांडों के लिए बैक टू बैक जिंगल्स गाए। और सन 2004 में कैलाश खेर ने मुंबई के संगीतकार भाइयों परेश कामत और नरेश कामत के साथ कैलाशा नाम से एक बैंड बनाया, और बैंड का पहला एल्बम कैलाशा मार्च 2006 में रिलीज हुआ। एक तत्काल चार्टबस्टर था। आज तक बैंड ने दुनिया भर में 1,000 से भी अधिक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, 2007 में उन्होंने उत्तरी अमेरिका में द इनक्रेडिबल्स नामक एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें आशा भोसले, सोनू निगम और कुणाल गांजावाला ने अभिनय किया था। गायन के अलावा उन्होंने कई टैलेंट रियलिटी शो में सारेगामापा, लिटिल चैंप, इंडियन आइडल और इस तरह से कई प्रोग्राम में उन्होंने जज किया। तो दोस्तों, ये इनका जो व्यक्तिगत जीवन परिचय और फिल्म में संगीत का जो मैंने आपको जानकारी दी, इनकी जो भी जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।